हेलो फ्रेंड्स, राइट अ प्रोग्राम इनपुट एनी स्ट्रिंग एंड प्रिंट द वोवेल एंड कंसोनेंट इन स्ट्रिंग यूजिंग स्विच केस स्टेटमेंट। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार हर ईयर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके 99% चांसेस होते हैं हमारे एग्जाम में आने के। तो ये क्वेश्चन क्यों ना हमें अच्छे से देखना हो, क्यों बहुत ही अच्छे से देखना होगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। आप इसे रन कीजिएगा, बार बार रन कीजिएगा, बार बार समझने की कोशिश कीजिएगा हम कैसी ट्रिक यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअली में लॉकडाउन चल रहा है तो मेरा लैपटॉप जो है वो मैं अपने रूम पर छोड़ आया हूँ, मैं अभी घर पर हूँ। सो प्रॉब्लम तो फेस कर रहा हूँ, वरना मैं आपको अच्छे से बहुत ही बताता। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जैसा हूँ वैसा मैं आपके लिए, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं ओ लेवल के यार, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मुझे ये सारी वीडियोस बना देना चाहिए ऐसे ही। आगे देखते हैं क्या होता है जब लॉकडाउन ओपन होता है। तो ऐसे चलो स्टार्ट करते हैं। वर्ड मैन इंटीजर मैंने दिया IVC, करेक्टर में मैंने L लिया और 15 उसमें असाइन किया। V इक्वल टू C इक्वल टू 0 दिया, मतलब कि C और V क्या है, 0। ठीक है, प्रिंट एप में दिया इंटर एनी स्ट्रिंग, मतलब कि एक स्ट्रिंग इंटर करो। जैसे आउटपुट में, जैसे यहाँ पर इंटर एनी स्ट्रिंग आ रहा, मैंने दिखा मैंने आकाश इसमें इंटर किया। ठीक है, क्या किया मैंने इसमें इंटर, आकाश। अब हम नीचे आते हैं, स्कैन ऐप में मैंने क्या दिया, स्ट्रिंग में L है, L मतलब कि 15 तक। तो हमने इसमें क्या दिया, आकाश, यहाँ पर जो मैं दिखा रहा था मैंने ये आकाश इंटर किया। उसके बाद हम नीचे आते हैं, फॉर लूप चलाया, I इक्वल दिया 0, L I इज नॉट इक्वल और नल 0। जब तक नल 0 ना हो जाए, स्ट्रिंग आप समझते हैं ना, आपको स्ट्रिंग में, हाँ स्ट्रिंग में आपको एक वीडियो बना चुका हूँ पहले, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगी ये कंडीशन। ठीक है, प्लस प्लस आई दिया, स्विच केस लगाया LI, स्विच केस भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। केस AB कैपिटल 2, केस क्या होगा, स्मॉल A। ठीक है, हमारा बॉबिल कौन कौन से, दो स्मॉल A भी हो सकता है, कैपिटल A भी हो सकता है, तो हमें ये दो, ये ट्रिकी है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, केस स्मॉल A लिया फिर केस स्मॉल E लिया, ऐसे लिखते जाते हैं और इसी में उनकी गलत हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने सारे कैपिटल और स्मॉल लिए, प्लस प्लस V किया, ब्रेक लूप लगाया, ब्रेक लगाया डिफ़ॉल्ट में, मैंने डिफ़ॉल्ट में देते हैं लास्ट में स्विच में, इफ़ LI इज़ ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड ये कंडीशन चेक कीजिएगा आप अच्छे से, और फिर यहाँ पर ये कंडीशन चेक कीजिएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से देखनी है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपको समझ में ना आए, अगर आपको ये प्रोग्राम ही समझ में आए, तो ये रट लेना, रट बना बना के। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यार, सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर C++ लिखते हैं, फिर यहाँ पर आकर हम प्रिंट ऐप में ये प्रिंट करा देते हैं, वोवेल कंसोनेंट परसेंट डी और कैट CH। यहाँ पर हमने आकाश दिया, यहाँ पर हमारा वोवेल जो होगा वो हमारा 2 प्रिंट होगा, कंसोनेंट हमारे हो जाएंगे 3, मतलब कि आकाश में A और A कैपिटल हो, स्मॉल A 2 वोवेल हो गए, KSH ये हमारे कंसोनेंट हो गए। वोवेल तो आप जानते हैं, AEIOU, सिंपल हो गया ना। तो वोवेल में मैंने लगाया इजिकल टू परसेंट डी, कंसोनेंट में हमने परसेंट डी लगाया, और बी जो होगा वो हमारा वोवेल शो करेगा, 2 प्रिंट होगा, सी क्या होगा जो हमारा कंसोनेंट शो करेगा वो 3 हो जाएगा। तो ये हमारा था स्ट्रिंग का क्वेश्चन, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये कंडीशन। अगर समझ में ना आ रही हो तो इसे आप रन करेंगे तो आपको जल्दी से अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिएगा, ये कंडीशन भी आप अच्छे से एक बार समझने की कोशिश करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैंने आपको अच्छा सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, देखो मैंने ट्रिक भी किया है इसको, ये बहुत बार आया हुआ है इसलिए मैं यहाँ पर टिक कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं मैं शुरू में बोल देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको ज़रूर देखिएगा वीडियो, और अच्छे से 2-3 बार वीडियो देखिएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी चाहिए प्रोग्राम्स की। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम्स के। थैंक्स।